हेलो स्टूडेंट, आई एम शशिबाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। टुडेज आवर टॉपिक इज रूलर कोटिंग। सो इससे पहले हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अल्टरनेटिव मेथड्स, अल्टरनेटिव टाइप्स ऑफ कोटिंग हमने देखा था इसमें, कि यानी जो एटोमाइजेशन के थ्रू जो हम कोटिंग करते हैं उसके एक अल्टरनेटिव के फॉर्म में हम जो अदर कोटिंग एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या होती हैं उसमें, और इन अल्टरनेटिव कोटिंग एप्लीकेशंस में हम डिप और फ्लो कोटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए जो हमारी नेक्स्ट कोटिंग है वो क्या है, हमारी रोलर कोटिंग। तो बेसिकली जितनी भी हमारी जो अभी हम अल्टरनेटिव मेथड्स की बात कर रहे हैं, तो डिप कोटिंग हो गई या फ्लो कोटिंग हो गई या फिर हमारी ये रोलर कोटिंग, तो इस तरह की जो भी हमारी कोटिंग होती है ये कैसी कोटिंग होती है, हमारी नॉन एटोमाइजेशन कोटिंग। तो एटोमाइजेशन यानी कि जहां पर आपका स्प्रे क्रिएट होगा, और नॉन एटोमाइजेशन यानी कि जहां पर आप विदाउट एटोमाइजेशन या फिर विदाउट स्प्रेइंग कोटिंग को अप्लाई कर रहे हैं सरफेस के ऊपर। तो रोलर कोटिंग स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आपको यहाँ पर नाम से दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर क्या होंगे, आपके रोलर्स यूज किए जाएंगे, उन रोलर्स के थ्रू आपका मटेरियल क्या होगा, कोट किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फिगर ड्रॉ करती हूँ जिससे आपको ईजली समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और इजली आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा लेंथी या फिर बहुत ज़्यादा लार्ज डायमेंशंस का फिगर यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मैं एक स्मॉल फॉर्म में आपको इस फिगर को दिखा रही हूँ। तो ये मैंने बहुत एक छोटा सा फिगर बनाया है, ये सिर्फ आपका एक रफली फिगर है, रफली स्केच मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है इस फिगर का, जिससे आपको सिर्फ इसका मैकेनिज्म जो है इस कोटिंग की वो आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी रोलर कोटिंग होती है इसमें हम जो शीट्स या फिर जो स्ट्रिप्स होती हैं, यानी कि जो फ्लैट पोर्शंस होते हैं किसी भी मटेरियल के, या कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट है, या जो भी आप पार्ट को कोट करना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट को कोट करना चाह रहे हैं, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, एक फ्लैट शीट या फिर एक स्ट्रिप के फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। उस तरह की फ्लैट शीट या फिर स्ट्रिप पर ही हम रोलर कोटिंग का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, रोलर कोटिंग इज कैपेबल ऑफ कोटिंग लार्ज एरियाज इन द फॉर्म ऑफ शीट और स्ट्रिप एट हाई स्पीड एंड विद ए कंटिन्यूअस एंड इवन थिकनेस ऑफ पेंट और वॉर्निश। रोलर कोटिंग इज कैपेबल ऑफ कोटिंग लार्ज एरियाज इन फॉर्म ऑफ शीट्स और स्ट्रिप एट हाई स्पीड एंड विद अ कंटिन्यूअस एंड इवन थिकनेस ऑफ पेंट और वॉर्निश। तो जो हमारी रोलर कोटिंग है, ये जो आपकी फ्लैट शीट्स या फिर जो स्ट्रिप्स होती हैं, और ये स्ट्रिप्स या जो शीट आप यूज कर रहे हैं ये कैसी हो, अगर आपकी लार्ज एरिया में हो, लार्ज डायमेंशन में हो,
इस तरह की फ्लैट पोर्शंस पे हम रोलर कोटिंग का यूज करते हैं और रोलर कोटिंग इन शीट्स या फिर स्ट्रिप पर हाई स्पीडली वर्क करती है। हाई स्पीड से यहाँ पर क्या होता है, रोलर आपके रोटेट होते हैं जिसके थ्रू आपकी एक कंटिन्यूस और इवन थिकनेस की लेयर फॉर्म होती है पेंट या वॉर्निश की। तो आप जो भी कोटिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं तो रोलर कोटिंग के थ्रू एक कंटिन्यूस और इवन थिकनेस की आपको फिल्म या फिर लेयर प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें द रोलर कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू लेमिनेट प्लास्टिक फिल्म टू मेटल सब्सट्रेट। तो सेकेंडली अगर हम बात करें तो जो हमारे रोलर्स होते हैं, ये रोलर्स हमारे किसी भी मेटल सब्सट्रेट पर प्लास्टिक की फिल्म को लेमिनेट करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। मीन अगर आपके पास कोई एक मेटेलिक सब्सट्रेट है तो उस मेटेलिक सब्सट्रेट पर अगर आपको लेमिनेशन करनी है प्लास्टिक शीट के थ्रू तो वहां पर भी हम लेमिनेट को लेमिनेशन प्रोवाइड करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, रोलर कोटिंग। तो रोलर कोटिंग के थ्रू ही हम मेटल के सब्सट्रेट पर प्लास्टिक की शीट को लेमिनेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब हम यहाँ पर जो प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द रोलर कोटिंग कि यहाँ पर जो आप रोलर कोटिंग यूज़ कर रहे हैं वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं और आप इससे किस तरह का फिनोमेना फॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी, अब हम इसके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए प्रोसेस में देखते हैं। सबसे पहले देयर आर टू मेथड्स ऑफ लिक्विड ट्रांसफर फॉर रोल कोटिंग सिस्टम ऑन फ्लैट शीट्स। तो रोलर कोटिंग में हमारे पास दो मेथड्स होते हैं और इन दो मेथड्स के थ्रू हम लिक्विड को ट्रांसफर करते हैं फ्लैट शीट के ऊपर। यानी कि रोल कोटिंग सिस्टम में हमारा जो लिक्विड ट्रांसफर होता है ऑन द फ्लैट शीट हमारा दो मेथड्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारे मेथड्स हैं वो किस तरह से होते हैं। तो मेथड अगर हम बात करें फर्स्ट मेथड की, तो यहाँ पर देखिए वन सिस्टम यूजेस थ्री रोलर्स एंड इसके अलावा जो हमारा मेथड सेकंड है यहां पर क्या है, जो सेकंड मेथड है हमारा सेकंड यूजेस फोर रोलर सिस्टम। तो दो मेथड यूज किए जाते हैं। मेथड फर्स्ट में यानी जो हमारा पहला मेथड है फर्स्ट मेथड है उसमें हम थ्री रोलर सिस्टम का यूज करते हैं और जो सेकंड मेथड है उसमें हम फोर रोलर सिस्टम्स का यूज करते हैं। तो अब पहले बात करते हैं हम इसके ओवरऑल मेथड की। तो अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें, ओवरऑल जो मेथड है हमारा इसमें मैं आपको एक बार इसको बेसिकली जो हमने यहाँ पर एक रफ स्केच बनाया था तो उसके थ्रू यहाँ पर हम समझेंगे पहले कि जो हमारा एक बेसिक
मैकेनिज्म है इस कोटिंग की वो क्या है, इसके बाद हम मेथड वन और मेथड टू की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा होता है ये क्या होता है, हमारा फीड रोलर, ये हमारा होता है एप्लीकेटर या फिर एप्लीकेशन रोलर, और ये हमारा क्या होता है, प्रेशर रोलर या फिर हम ये कह सकते हैं इम्प्रेशन रोलर। तो जो हमारा मटेरियल सब्सट्रेट के ऊपर कोट करना होता है वो हमारे फीड रोलर और एप्लीकेशन रोलर के बीच में एक बहुत नैरो ओपनिंग हमारे यहाँ पर होती है, तो इस गैप में क्या किया जाता है, वो मटेरियल आपका यहाँ से ड्रॉ होना शुरू होता है और फिर ये आपका सरफेस के ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत छोटा सा निप सेक्शन होता है, यानी कि एक नैरो एरिया यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ये आपको बहुत ज़्यादा, मैंने यहाँ पर बड़ा बना दिया है तो ये आपको बहुत ज़्यादा लार्ज दिख रहा है, बट क्या होता है ये दोनों काफ़ी पास में होंगे रोलर और इनके बीच में बहुत छोटा सा जैसे इस तरह से हमारा एक नैरो सेक्शन होगा जो हमारा निप कहलाता है। तो जो हमारा निप होता है तो निप से ही हमारा जो मटेरियल है जो आपको सरफेस के ऊपर कोट करना है वो क्या होता है, सरफेस पर आपका कोट होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा हो गया फीड रोलर और ये हमारा हो गया एप्लीकेशन रोलर। तो ये दोनों ही रोलर काफ़ी पास में होते हैं, जो आपको यहाँ गैप दिख रहा है इतना गैप यहाँ पर नहीं होता है। और ये देखिए यहाँ पर ये मटेरियल आपका फीड हो रहा है और आपकी थिकनेस इवन हो और कंटिन्यूस हो, इसके लिए इवननेस को अचीव करने के लिए हम यहाँ पर एक और रोलर का यूज करते हैं, दैट इज प्रेशर रोलर। ये जो प्रेशर रोलर है ये एप्लीकेशन रोलर पर एक नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है, जिससे क्या होता है जो आपका सब्सट्रेट है वो एप्लीकेशन रोलर और प्रेशर रोलर के बीच में अच्छी तरह से सेट हो जाए और प्रेशराइज हो जाए और उस पर एक इवन थिकनेस हमारी पेंट की अचीव हो जाए। तो ये हमारा बेसिक मेथड था। तो अब हम बात करते हैं मेथड वन की और मेथड सेकंड की। तो जो हमारा मेथड वन है यहाँ पर हमारा क्या होता है, जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड इज फेड बिटवीन द फीड एंड एप्लीकेटर रोलर। विच आर रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, लिक्विड इज फेड बिटवीन द फीड एंड एप्लीकेटर रोलर रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सेकेंड क्या है, द स्ट्रीम ऑफ पेंट इज देन फेड थ्रू द रोलर्स ऑन टू द शीट्स। तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, द स्ट्रीम ऑफ पेंट इज देन फेड थ्रू द रोलर्स ऑन टू द शीट। थर्ड पॉइंट है हमारा, जो हमारा थर्ड रोलर है, थर्ड रोलर्स एक्ट्स एज अ प्रेशर रोलर टू इंश्योर दैट द शीट कम्स इंटू करेक्ट दैट द शीट कम्स इंटू करेक्ट एंड इवन कॉन्टैक्ट विद द वेट एप्लीकेटर रोल्स या फिर रोलर। तो जो हमारा फर्स्ट मेथड है इसमें,
जो अभी मैंने आपको एक बेसिक मेथड अभी बताया था, फिगर से आपको समझाया था, तो वही हमारा फर्स्ट मेथड होता है। यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड इज फेड बिटवीन द फीड एंड एप्लीकेटर रोलर रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। द स्ट्रीम ऑफ पेंट इज देन फेड थ्रू द रोलर ऑन टू द शीट। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि ये मान लीजिए आपका सरफेस है, यानी कि जिस पे आपको कोटिंग करनी है, और ये आपका क्या हो गया, थ्री रोल सिस्टम हो गया। ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये हमारा थ्री। और फर्स्ट हमारा क्या हो गया, फीड रोलर, एप्लीकेटर रोलर, प्रेशर रोलर। तो यहां पर देखिए, अकॉर्डिंग टू मेथड फर्स्ट, लिक्विड इज फेड बिटवीन द फीड एंड एप्लीकेटर रोलर रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो हमारा लिक्विड है वो क्या होता है, फीड रोलर और एप्लीकेटर रोलर के बीच में जो आपको स्पेस दिया जाता है, उस स्पेस में ये आपका लिक्विड मटेरियल फेड किया जाता है, और जो आपका फीड रोलर और जो एप्लीकेटर रोलर दोनों ही क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और एप्लीकेटर रोलर के अपोजिट डायरेक्शन में ही आपका प्रेशर रोलर भी रोल करता है। तो द स्ट्रीम ऑफ पेंट इज देन फेड थ्रू द रोलर ऑन टू द शीट। तो सबसे पहले आपका जो पेंट मटेरियल है वो फीड और एप्लीकेटर रोलर के बीच में फेड किया जाता है, और फिर ये जो आपका सेक्शन होता है, मैंने बताया कि निप सेक्शन होता है, तो इस निप के द्वारा जो आपकी पेंट की स्ट्रीम होती है वो रोलर से होती हुई सरफेस के ऊपर अप्लाई होती जाती है। और जो हमारा थर्ड रोलर है, ये हमारा प्रेशर रोलर की तरह एक्ट करता है, और ये सुनिश्चित करता है, इट इंश्योर दैट जो हमारी शीट है, यानी जिस पे आपको कोटिंग करनी है, वो शीट आपकी इवन कॉन्टैक्ट और करेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ है या नहीं। तो जो एप्लीकेटर रोलर है, यही हमारा क्या होता है, वेट रोलर, क्योंकि यही हमारा पेंट को अप्लाई करता है सब्सट्रेट के ऊपर। तो शीट हमारी वेट एप्लीकेटर, वेट रोलर या फिर एप्लीकेटर रोलर के साथ करेक्ट और इवन कॉन्टैक्ट में है या नहीं, तो इसके लिए हमारा ये प्रेशर रोलर यहाँ पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेथड सेकंड की। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि फोर रोलर सिस्टम यूज किए जाते हैं, यहां हमारे फोर रोलर यूज किए जाते हैं, और यहां पर हमारे थ्री रोलर सिस्टम का यूज होता है। तो यहां पर बस चेंज क्या है, जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है वो सेम एज इट इज एज मेथड फर्स्ट की तरह ही होता है, लेकिन यहां पर बस थोड़ा सा चेंजमेंट आ जाता है। यहां पर एक रोलर हमारा और एक्स्ट्रा होता है, फीड रोलर, एप्लीकेटर रोलर, प्रेशर रोलर, और जो फोर्थ रोलर होता है हमारा वो कौन सा होता है, उसे हम फाउंटेन रोलर भी कह सकते हैं। तो ये किस तरह से वर्क करता है, देखिए फोर रोलर सिस्टम हमारा क्या होगा, अ फाउंटेन रोलर पिक्स अप लिक्विड फ्रॉम अ ट्रॉप, ट्रांसफर इट टू द फीड रोलर विच इन टर्न प्रेसेस इट टू द एप्लीकेटर रोलर। तो यहां पर देखिए, जो हमारा फोर्थ रोलर सिस्टम होता है, तो अगर मैं इसे फिगर से समझाऊं, तो यहां पर कुछ इस तरह से हमारा वर्क होता है। टोटल प्रोसेस हमारा सेम रहेगा मेथड फर्स्ट की तरह, यहां से हमारा लिक्विड एंटर करता है फीड रोलर में, और एप्लीकेटर रोलर के बीच में जो स्पेस दिया होता है उसमें हमारा
लिक्विफाइड किया जाता है। यहाँ पर आपका जो प्रेशर रोल है वो भी आपका सेम इसी तरह से वर्क करता है जैसा कि मेथड फर्स्ट में है, और जो डायरेक्शन होती है रोलर्स की वो भी सेम फर्स्ट मेथड की तरह ही होती है। अब यहाँ पर आपका एक रोलर और एडजस्ट होता है, और वो रोलर क्या होता है ये आपका कहीं भी सेट हो सकता है जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक फोर रोलर सिस्टम होता है। तो यहाँ पर एक हमारा ट्रो दिया होता है, देखिए, अ फाउंटेन रोलर पिक्स अप लिक्विड फ्रॉम अ ट्रो, ट्रांसफर इट टू द फीड रोलर विच इन टर्न प्रेसेस इट टू द एप्लीकेटर रोलर। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ट्रो होता है आपका, एक कंटेनर होता है जिसमें हमारा पेंट या जो लिक्विड मटेरियल जिसे आपको कोट करना है वो यहाँ फेड होता है। यहाँ पर एक जो रोलर होता है ये हमारा क्या कहलाता है, फाउंटेन रोलर। ये फाउंटेन रोलर इसमें कंटिन्यू मूव करता है जिससे क्या होता है, इस रोलर पर जो पेंट है आपका कंटेनर वो इसके ऊपर स्टिक हो जाता है थ्रू द रोटेशन ऑफ फाउंटेन रोलर, और फिर ये जो रोलर होता है वो आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है किस रोलर के साथ, फीड रोलर के साथ। यानी कि यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा ये देखिए दूर दिखाया सिर्फ समझाने के लिए, जबकि होता क्या है फोर रोलर सिस्टम में सारे रोलर एक दूसरे कॉन्टेक्ट में होते हैं, तो फाउंटेन रोलर हमारा इसके साथ कॉन्टेक्ट में होता है और अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों मूव करते हैं जिससे क्या होता है फाउंटेन रोलर के ऊपर जो आपकी लिक्विड मटेरियल स्टिक होता है, तो जब फीड रोलर इसके साथ कॉन्टेक्ट में मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो फीड रोलर के ऊपर जो पेंट का अमाउंट फाउंटेन रोलर पर होता है वो क्या हो जाता है, फीड रोलर पर ट्रांसफर हो जाता है, और फिर ये फीड रोलर एप्लीकेटर रोलर से अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है, तो फिर फीड रोलर पर जो आपकी इंक जो आपका पेंट आता है फाउंटेन रोलर के थ्रू जो ट्रांसफर होता है पेंट आपके फीड रोलर पर, वो पेंट फिर आपका कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, एप्लीकेटर रोलर के ऊपर। तो इस तरह से ट्रांसफर होता है हमारा पेंट का या लिक्विड मटेरियल का थ्रू द फाउंटेन रोलर टू फीड रोलर, एंड फीड रोलर से हमारा कहाँ हो जाता है, एप्लीकेटर रोलर पर ट्रांसफर हो जाता है, और फिर ये एप्लीकेटर रोलर क्या होता है सब्सट्रेट के ऊपर पेंट को ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, और प्रेशर रोलर उस सब्सट्रेट को एप्लीकेटर रोलर के साथ अच्छी तरह से कॉन्टेक्ट में लाने के लिए एक प्रेशर अप्लाई करता है। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड मेथड है या फोर रोलर सिस्टम वो वर्क करता है। तो यहाँ पर जो आपका ये फाउंटेन ऑफ फीड रोलर है ये मेनली आपके स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, जबकि जो एप्लीकेटर रोलर है वो हमारा कोर स्टील का बना होता है जिसके ऊपर हमारी रबर की एक शीट अप्लाई की जाती है ताकि आपकी थिकनेस पेंट के ऊपर जो सब्सट्रेट है उसके ऊपर आपकी पेंट की एक इवन थिकनेस आ जाए। तो एप्लीकेटर रोलर आपका क्या होता है कोर स्टील का बना होता है, और बाकी जो फाउंटेन रोलर और जो फीड रोलर है वो हमारे स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। तो इस तरह से हमारी जो रोलर कोटिंग है वो वर्क करती है।